मैं राम रामना साहिब आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इसका लाभ आप जरूर उठा रहे होंगे। पूर्व में आदिकाल के नामकरण, आदिकाल का प्रारंभ, आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य है उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रायन तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लगा था वह हिंदियों के लिए सिद्ध साहित्य की सीमा में आ जाता है। राहुल संस्कृतन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, उसमें सिद्ध सरयपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरयपा, सबरपा, लुईपा, डोम्पा, कर्णपा एवं कुकृपा हिंदी की मुख्य सिद्ध कवि है। सरपा, शौरपा, लुईपा, डोम्बा, कर्णपा एवं कुकृपा ये सिद्ध मुख्य है। संक्षेप में इनके थोड़े बारे में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सरपा है, ये सरहपा यानी सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से जाने जाते हैं। जाति से ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं है। राहुल जी ने इनका समय 869 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहाकोश हिंदी की रचनाओं से में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड एवं आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है। इन काव्यों में भी भावों का सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण देखिए, नाद ने बिंदु ने रवि ने शशि मंडल, चुराव सहावे मुकल, अजुरे उजु छाड़ मा लेहुरे बंक, न्यायी बुहिमा जादूरे लांक, आतेरे कांकड़ मा लो दापड़, अपने अपा पूजतु निमंत्रण। सरयपा के इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरयपा काल में मिल जाता है। तो ऐसे सरयपा थे जो सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। दूसरे जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं वो है सबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। इनका जन्म भी 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सरयपा से इनको ज्ञान प्राप्त किया था। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरपा कहे जाने लगे। चार्यपद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं, उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिए, हिरी ये मेरी तैला बाड़ी खमसे समतुला, शुष्कड़े सेरे कपासु फुटला, तैला बाड़ेर पासेर जोहना बाड़ी तैला, फटेल धारी रे आकाश फुलिया। तीसरे जो कवि है वो है लुईपा। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में पैदा हुए। सबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हुए। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुईपा का। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। देखिए, करा तरवर पंच बिड़ाल, चंचल ची पुवे काल, बिट करिए महा सुई परमाण, लुई भर में गुरु पूछ जहाँ। और जो सिद्ध साहित्य का अगले जो कवि है वो है डोम्बा। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भ गीत का योगचर्या, अक्षब्द को देश आदि प्रसिद्ध थे। इनकी रचना का भी उदाहरण देखिए, गंगा जमुना माझीर बहर नाई, ताई बुझली मातंग पोयाली लेप,
बाहतु डोंपी बहलो डोंपी बाटत बहिल उछारा सदगुरु पाऊ पै जाए जड़ा। अब बिहार के सोमपुरी स्थान पर ही रहते थे। जालंधरपा को उन्होंने अपना गुरु बताया है। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की है। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं जो दार्शनिक विषयों पर है। रहस्यात्मक भावना पर पूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इनकी शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है इन्होंने। देखिए, आगम वीर पुराने पंडित मान बहंती पक्के से फल अलिख जिम बारित वह प्रणित। अब है कुकृपा। इनका जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में पर माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं है। चरपटी इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ बताए जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का उदाहरण देखिए। हाँ निवासी खमण मतारे मेहोर बोले कहे न जाए फिटवेल गो माए अंत उड़ी चाहिए हे इथो महाम सो इथो माए। इस प्रकार जैन इस प्रकार सिद्ध कवियों का अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी इनके अतिरिक्त जैन भाषाओं में वाणी प्रचार करने कर प्रचार पद में करते थे। किंतु इन कवित्व का अपना अंश नहीं है। इनके आधार पर साहित्य के विकास में योगदान माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है उन साहित्य हिंदी सिद्ध साहित्य कोश बना दिया है। ये है सिद्ध साहित्य। अब जो मिलता है वो है जैन साहित्य। जिस पर हिंदी के पूर्व क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रायन मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचना आचार रास फव चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली के जीवन जैन कवियों घटना के स्थान पर उद्देश्यात्मक प्रधानता दी गई। भागु और चरित काव्य शैली की समानता के लिए प्रसिद्ध है। रस शब्द संस्कृत साहित्य से क्रीड़ा और नृत्य समानता वर्तमान से किरणीय कहा है। वात्सल्य के कामसूत्र की रचना काल तक रास के गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी लोग उसे रास ही कहते हैं। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचनाशैली का रूप दिया है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र एवं वैष्णव अवतारों कथाओं जैन आदर्शों के आवरण में रास शब्द रास नाम से पदबद्ध की गई थी। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा अतः जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया था। पीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है किंतु इनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई थी। पूर्वोत्तर काव्य शैली में लिखित आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य का जुम्मन उतारम को यह श्राव करचार। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्यों ने 933 ईस्वी में ग्रंथ की रचना की श्राव करचार की। श्राव करचार ये एक अच्छे कवि थे। इन्होंने अभ्रंश में भी दब सहाय प्रयास नामक काव्य लिखा था। हिंदी में लिखित अनेक इनकी रचनाएं हैं जो काव्य की सीमा में नहीं आती। श्रावकर चार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ कर्तव्य पर भी विस्तार से चर्चा की है। इसके जन दोहा छंद में की गई है। एक उदाहरण देखिए। जो जन शासन भाष्यो सो मई कहिए सार सो पालई सही भाव कर सो कही पाय पार भरतेश्वर बाहुबली रस। मुनि जनमेजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास को ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र चित्रण है। ये दोनों चरित्र एक संस्कृत प्राकृत एवं अभ्रंश की काव्य रचना का विषय रहे हैं।
इस कृति में इनके जो कथा बने थे उसमें इन्होंने अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे और पराक्रम भी दिखते, वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता पश्चात विरक्ति व मोक्ष के भाव प्रतिपादन करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। 205 छंदों में रचित ये सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा नाटकीयता, उक्ति वैचित्र तथा रसात्मकता सर्वोत्तम मिलती है। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ के अनेक रूपों में प्रभावित किया है। हम देखिए, बोलऊ बाहुबली बलवंत, लोक खंडित वरियो हंत, चक्र सरयू जो नौ करिए, समय लंग होता है कुल सुंदर।